सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संजय क्रिएशन गाइस। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कुछ इस तरह का कपल्स डीपी, जैसे कि इंटरफेस में देख ही रहेंगे इस तरह का आपको आज कपल्स डीपी एडिटिंग करना सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो पर जो एंड तक बने रहेगा, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा गाइस, ताकि हमारे अगले आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमको चले जाना अपने पिक्सेल ऐप की ओर, और पिक्सेल में आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यू टेस्ट का जो ऑप्शन मिलेगा सिंपली इसको हम सब सबसे पहले कर लेना है रिमूव, ठीक है। जहाँ से हम इसको कर लेते हैं रिमूव, उसके बाद करने का है गाइस हमको यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड 3 डॉट का आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ से जो है इमेज साइज वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ पर देख सकते हैं कस्टम का जो आइकन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से प्रोफाइल स्क्वायर वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से ओके कर लेना है, ठीक है। ओके करने के बाद हमको यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं फोर्थ नंबर पर हमको ये वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट नंबर पर कलर का जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और यहाँ से हमको जो है बैकग्राउंड जो है वाइट कलर हमको सिलेक्ट कर लेना है, राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड नंबर पर हमको ये वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर देख सकते हैं शेप्स का जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और हमको कुछ इस तरह का ये वाला जो है चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से करना क्या है गाइस, राइट पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद हमको आगे स्क्रॉल कर लेना है थोड़ा, और आगे स्क्रॉल करने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक का जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको राइट पर क्लिक कर लेना है, और राइट पर क्लिक कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर देख सकते हैं शैडो का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, तो सिंपली हमको इसको भी जो है इनेबल कर लेना है, ठीक है, राइट पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद हमको कुछ इस तरह से इसको सेटअप कर लेना है गाइस। आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, तभी जो है आप इस तरह का एडिटिंग सीख पाओगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो है इस तरह का साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से इसको अब थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, ताकि हमारा सही से सेटअप हो सके, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा इस साइड कर लूँगा, इसके बाद जस्ट इसको लॉक कर लेंगे, और जस्ट इसका कॉपी लेयर बना लेंगे, ठीक है। और कॉपी लेयर बना लेने के बाद सेम प्रोसेस हमको राइट साइड भी इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो सेम हमको उसी तरह से इसको भी एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा गाइस, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, तभी जो आप इस तरह का एडिटिंग सीख पाओगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसको लॉक कर लेना है, और जस्ट इसके कॉपी लेयर भी बना लेना है, ठीक है। और कॉपी लेयर बना लेने के बाद हमको कुछ इस तरह से इसको नीचे सेटअप कर लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेटअप कर ले रहा हूँ गाइस, आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लॉक कर लेना, और जस्ट इसके कॉपी लेयर भी बना लेना है, ठीक है। कॉपी लेयर बना लेने के बाद सेम प्रोसेस हमको इसको राइट साइड भी एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ गाइस, आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से बस थोड़ा नीचे और इसको कर लेना है, ताकि ये हमारा सही से सेटअप हो सके, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा इस साइड कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये हमारा देख सकते सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमको इसको सीधा लॉक कर लेना है, उसके बाद हमको ये वाला हटा लेना है, ठीक है। अब करना क्या है गाइस, हमको यहाँ पर जो है PNG ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इंपोर्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से आपको गैलरी की ओर ले जाएगा, तो यहाँ पर जो है मैं PNG यूज कर ले रहा हूँ, जिस PNG का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो है जाकर इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाला PNG जो है यूज करूँगा, ठीक है। तो जितना भी PNG मैं यूज़ करने वाला हूँ गाइस इसके वीडियो के अंदर, उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसका सेटअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस हमको फिर से चले जाना इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से जो है अब जो है दूसरा PNG सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है आ जाता हूँ ये वाले में, ठीक है। और यहाँ पर PNG मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, PNG यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस PNG का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से इसका सेटअप करूँगा, आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह से सेटअप कर लूँगा, और जस्ट इसको लॉक करके जस्ट कॉपी लेयर भी बना लूँगा, ठीक है। और उसके बाद हमको कुछ इस तरह से इसको सेटअप भी कर लेना है राइट साइड, ठीक है। तो इसको मैं सेटअप कर ले रहा हूँ, आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। इस तरह कर लेने के बाद जस्ट इसको लॉक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको फिर से चले जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम जो है PNG यूज कर लेने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जितना भी PNG यूज करूँगा गाइस, उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है ये वाला PNG जो है यूज कर लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको कुछ इस तरह से कर लेना है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेना है, और यहाँ से हमको इस तरह से सेटअप कर लेना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लॉक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको सेम प्रोसेस फिर से चले जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। तो यहाँ से हमको जब फिर से PNG यूज कर लेना है,
ठीक है। तो चले जाते हैं हम जो है पीएनजी की ओर, ठीक है। तो जितना भी पीएनजी मैं यूज कर लेने वाला हूँ गाइस, इन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं वो वाला पीएनजी ढूंढ लेता हूँ जिस पीएनजी को हमको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हमको ये वाला पीएनजी यूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लेफ्ट साइड जो है इस तरह से सेटअप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा अपसाइड कर लेते हैं ताकि हमारा सही से एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा सही से सेटअप ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ा और नीचे इसको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये हमारा सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सही से इसको सेटअप कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ये देख सकते हैं हमारा सही से सेटअप हो चुका है, इसके बाद जस्ट इसको लॉक कर लेंगे, ठीक है। और लॉक कर लेने के बाद गाइस हमको पीछे चले जाना है इंपोर्ट की ओर, ये आपको गैलरी की ओर ले जाएगा। यहाँ से हम जो है पीएनजी फिर से यूज कर लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ इस बार आ जाते हैं पिक्सार्ट वाले में, और इस बार हमको ये वाला पीएनजी यूज कर लेना है, ठीक है। तो जितना भी पीएनजी मैं यूज करने वाला हूँ गाइस इस वीडियो के अंदर, तो जो है उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना नहीं आता जिस भाई को जो है, तो जो है मेरे इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज कर सकता है और वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकता है, और मैं इसको इंस्टा पे भी पीएनजी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस तरह से इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, तभी जो है आप इस तरह का एडिटिंग सीख पाओगे गाइस, ठीक है। और ये जो है बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल भी लगेगा, ठीक है गाइस। तो आप जो है बस वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस हमको करना है क्या है, ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला पीएनजी है थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा सही से ठीक से लगे, ठीक है। उसके बाद गाइस हमको इसको जो है लॉक कर लेना है, ठीक है। लॉक करने के बाद गाइस हमको फिर से चले जाना है इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद इस बार जो है हमको पिक जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है चले जाते हैं पिक की ओर, हमको यहाँ से पिक जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला पिक, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से थोड़ा क्रॉप कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से इसको क्रॉप कर लेने के बाद हमको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेना है ताकि ये हमारा सेटअप हो सके, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस हमको करना क्या है, थोड़ा लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड जो हमको थोड़ा इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमको आ जाना है ये 3D वाले में, ठीक है, 3D रोटेट। उसके बाद नीचे वाला जो है हमको वाइक्सिस वाला है, इसको जो है पूरा 180 माइनस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको थोड़ा और इसको छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर ले रहा हूँ, आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है गाइस, हमको यहाँ से स्टॉक जो है इनेबल कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ से इसका जो है शैडो भी इनेबल कर लेना है, ठीक है। शैडो इनेबल कर लेने के बाद हमको यहाँ से इसको 5 या फिर 6 के राउंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 6 के राउंड कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको इसको जो है लॉक कर लेना है, ठीक है गाइस। और लॉक कर लेने के बाद हमको फिर से चले जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद इस बार हमको जो है बॉयस वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बॉयस पिक जो है सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप जो है वीडियो पर इन तक बने रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है बॉयस वाला जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, तब तक जो है वीडियो पर इन तक बने रहेगा गाइस आप जो है, ठीक है। हमको कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। और क्रॉप कर लेने के बाद सीधा हमको यहाँ से इसको ऐड कर लेना है, ठीक है, राइट क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ से इसको छोटा कर लेना है पहले तो, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से कुछ इस तरह से इसको कर लेना है, ठीक है। तो इतना कर लेना है, उसके बाद हमको यहाँ से भी इसको भी थोड़ा छोटा कर लेना है नीचे वाला से भी, ठीक है। उसके बाद करना क्या है गाइस, हमको जो है इसका स्टॉक जो है इनेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको इसका शैडो भी इनेबल कर लेना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसको सेटअप सही से कर लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा इसको और थोड़ा नीचे ले आते हैं, देख सकते हैं ये हमारा सेटअप हो चुका है गाइस। उसके बाद जस्ट इसको हमको लॉक कर लेना है, ठीक है। को यहाँ पर करना क्या है देख सकते हैं, ये वाला जो आइकन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है नीचे में देख सकते हैं ये वाला कोई सा भी एक, ये वाला या फिर ये वाला कोई सा भी एक जो है एक कॉपी लेयर बना लेना है, ठीक है। और कॉपी लेयर बना लेने के बाद जस्ट हमको यहाँ पर कुछ इस साइड इसको हमको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो है थोड़ा ले लेते हैं इस साइड, ठीक है। और यहाँ से हमको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, तो सिंपली फिर से एक कॉपी लेयर बना लेंगे इसका, और इसको हमको सेम प्रोसेस हमको राइट साइड भी एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमको इसको लॉक कर लेना है, ठीक है गाइस। अब लॉक कर लेने के बाद करना क्या है गाइस, हमको यहाँ पर आ जाना है ये वाला आइकन पर, ठीक है। ये वाला आइकन पर सिंपली हमको यहाँ से प्रेस कर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ पर टेस्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, ठीक है। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से टाइप जो है
रिमूव कर लेना है। उसके बाद हमको कैपिटल लेटर में प्रिंस लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से राइट पे ओके पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और ओके पे क्लिक करने के बाद हमको थोड़ा आगे साइड जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हमको यहाँ पर देखते हो फंड वाला जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और रिसेंट में मैंने यूज़ किया था, इस फंड का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करने का है गाइस, हमको यहाँ पर थोड़ा आ जाना है पीडिंग वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और पीडिंग को हमको कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेना है, ठीक है, यहाँ से 18:18 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर लेना है अपने हिसाब से, जितना आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से थोड़ा आ जाना है स्पेस वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और स्पेस वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको कुछ इस तरह से इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है गाइस, हमको यहाँ से जो है इसको जो है कलर जो है ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको आ जाना है थोड़ा स्टॉक वाले ऑप्शन पर, ठीक है। स्टॉक जो है हमको इनेबल कर लेना है और यहाँ से पिंक सेलेक्ट कर लेना है, राइट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद शैडो भी इनेबल कर लेना है इसका, और शैडो हमको 85 या फिर 80 के राउंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम 80 के राउंड ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर लेना और जस्ट इसको लॉक कर लेना और जस्ट कॉपी लेयर भी बना लेना है, ठीक है। उसके बाद ई को हटा के हमको वाई डालना है, यहाँ पर प्रिंसी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से कुछ इस तरह से इसको सेटअप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेटअप कर ले रहा हूँ गाइस। अभी तक इस वीडियो का आप जो है लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर जो है और एक PNG यूज कर लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चले जाते हैं इस वाले आइकन पर। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर देखते थे इंपोर्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद मैंने इस PNG को यूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाला PNG जो है यूज कर लूँगा, ठीक है। इस PNG का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है गाइस, हमको इसका जो है कलर चेंज कर लेना है, ठीक है। तो हमको जो है कलर वाले पर आ जाना है, कलर जो है इनेबल कर लेना है और यहाँ से इसको राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसका स्टॉक भी जो है इनेबल कर लेना है और यहाँ से हम इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमको जो है इसको थोड़ा सेटअप कर लेना है सही से, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जो है कुछ इस तरह से सेटअप कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा लंबाई जो है इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा एक PNG और यहाँ पर एड कर लेने वाला है वो सही से सेटअप हो सके, ठीक है। तो यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसको कर लेना है पहले, ठीक है। इसको लॉक कर लेते हैं, उसके बाद हम PNG पहले यूज कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हम PNG यूज कर लेंगे और यहाँ से हमको छोटा कर लेंगे थोड़ा, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से छोटा कर लेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हमको लॉक कर लेना है और ये वाला थोड़ा इनेबल कर लेना है, ठीक है। इसका जो है हम जो है ये स्टॉक वाला है इसको हमको हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा चौड़ाई और कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद हमको साइज़ थोड़ा और इंक्रीज कर लेना है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा और कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा सही से सेटअप हो जाएगा गाइस, जैसे कि देख ही सकते हो, ठीक है। तो इसको हमको सिंपली लॉक कर लेना है, ठीक है। लॉक करने के बाद हमको यहाँ से अपना जो है लोगो लगा लेना है। तो सिंपली हमको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से चले जाना है अपने पिक वाले की ओर। तो यहाँ से हम जो है पिक्सल ले वाले में आ जाते हैं और यहाँ से हमको ये वाला PNG जो है लगा लेना है, ठीक है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा गाइस, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बगल में जो है बेल आइकन घंटी जो है उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा गाइस, ताकि हमारे अगले आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और कुछ यूनिक आपको हमेशा सीखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे सिंपली लॉक कर लेंगे, जस्ट इसको कॉपी लेयर बना लेंगे, ठीक है। और कॉपी लेयर बना लेने के बाद हमको कुछ इस तरह से राइट साइड पर इसको सेटअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऑलमोस्ट बनकर हो जाएगा रेडी, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, इसको गैलरी में सेव कर लेने के लिए हमको बता देना है, हमको चले जाना है इस वाले आइकन पर। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर देखते सेव इज इमेज का जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर देखते कस्टम का जो आइकन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ पर भी कर लेना है प्रेस, ठीक है। उसके बाद हमको सबसे लास्ट वाला अड्रेस जो है सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हमको यहाँ पर सेव टू गैलरी कर लेना है। तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा गाइस, तो जैसे कि देख ही सकते हो ये हमारे गैलरी में ऑलमोस्ट सेव होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग जो है, तो ये देख सकते हैं ये हमारा गैलरी में सेव हो चुका है गाइस। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नेटिंग के साथ और कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नेटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टेक केयर, लव गाइस। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नेटिंग के साथ।